वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइक का फ्यूल टैंक जो कोरोजिव हो चुका है, इसमें से सारा पेट्रोल कोरोजिव आ रहा है तो हमारा कार्बोरेटर बार बार जाम हो रहा है, और दूसरा कि मानसून के सीज़न में इसमें पानी भी मिक्स हुआ है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आज मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए हम एक फ्यूल फिल्टर लगाएंगे बीच में जो पानी और मैग्नेटिक पार्टिकल को अलग करता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। तो हम ये कार्बोरेटर ड्रेन से ये पेट्रोल निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पानी भी मिक्स हुआ है। सुबह में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है पानी की वजह से, ये आपको दिख रहा होगा बॉटम में। ये देखिए, ये पानी दिख रहा है नीचे बॉटम में, वो पेट्रोल में मिक्स हुआ है। तो इसके लिए हम आज एक फिल्टर लगाएंगे। ये फिल्टर है, ये फिल्टर पेट्रोल को पानी और डस्ट पार्टिकल से अलग करता है। इसमें एक मैग्नेट रहता है जिसके साथ जो मेटल पार्टिकल्स रहता है वो चिपक जाता है और वो कार्बोरेटर में जाने नहीं देता है। तो इसको मैं आज आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये पेट्रोल पाइप मैंने अलग से मंगवाई है, और ये जो फिल्टर है ये पूरा ग्लास का है और ये प्लास्टिक का ऊपर बना हुआ है। ये फिल्टर पानी और पेट्रोल को अलग करता है। जो पानी का डेंसिटी वो ज़्यादा रहता है इसलिए पानी नीचे बैठ जाता है, तो पानी यहाँ पे स्टोर होता है, तो हमको ये निकाल लेना है पानी को। आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये एक पाइप आप पेट्रोल कॉक से लेके यहाँ अपर साइड पे लगा दीजिए, और ये आप देख रहे हैं पेट्रोल आ रहा है। तो नीचे में देखिए वाइट कलर का पानी जो है इसमें अलग हुआ है, तो नीचे की ओर बैठा हुआ है। आपको ये स्क्रू खोल के ये पानी निकाल देना है। ये देखिए यहाँ से प्योर पेट्रोल हमारा कार्बोरेटर में जाएगा, और नीचे में पानी जो दिख रहा है वो नीचे में बैठा रहेगा और वहाँ पर एक मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो मैग्नेट के साथ चिपका रहेगा। ये देखिए ये वाइट कलर का पानी नीचे बैठा हुआ है, ये अलग हो गया है। हमको क्या करना है, एक स्क्रू ये नीचे का नट जो है ये खोल के हमको पानी को निकाल देना है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर से पेट्रोल निकाल दिया है, ये नीचे बॉटम में पानी बचा है और उसमें एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट के साथ सारा जो कोरोजिव पार्टिकल था वो चिपक के अंदर बैठा हुआ है। हमारा कार्बोरेटर में अगर ये कचरा जाता है तो हमारा कार्बोरेटर बार बार जाम हो जाता है, तो हम इससे बच सकते हैं। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं कि एक पेट्रोल का हमारा जो कार्बोरेटर से पाइप आता है वो यहाँ पर जो आउट का लगा हुआ है निशान वहाँ पर हमको लगाना है, और दूसरा पेट्रोल कॉक्स है, और इसको हमको लगाना है मिनिमम लेंथ पे। मैंने आपको दिखाने के लिए ये पाइप की लेंथ ज़्यादा रखी है। ये मैग्नेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैग्नेट है अंदर, इसके अंदर देखिए छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ये यहाँ पे चिपक गया है जो कार्बोरेटर में जाने से हम इसको बचा सकते हैं। आपको फिल्टर ऐसे फिट करना है, इंजन से थोड़ा दूरी पे ही आप फिट कीजिए, और आप देख रहे हैं मैंने किस हाइट पे लगाया हुआ है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसका पाइप का लेंथ ज़्यादा रखा है, आप कम से कम पाइप का लेंथ रखिए। ये देखिए पेट्रोल इसमें भर चुका है, और प्योर पेट्रोल ऊपर से होके कार्बोरेटर में जाएगा, पूरा कचरा नीचे बैठ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते देखते हैं। तो हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बाइक स्टार्ट हो चुका है। तो हम ऐसे कार्बोरेटर में कचरा जाने से रोक सकते हैं और पानी को भी अलग कर सकते हैं, तो हमारा सुबह का जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर टंकी में थोड़ा पानी है तो ये फिल्टर आपके लिए बढ़िया है।